गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। माई सेल्फ सागरिका शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे जो एग्रीकल्चर का राजस्थान में एग्ज़ाम हुआ था ARO का, उसका एग्ज़ाम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले आपको, जिन्होंने भी हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा जिसने टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया है तो उसको भी आप कर सकते हो, उसमें उसके अंदर आपको एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, बाकी के अपकमिंग जो भी हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन होगी उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम की अगर हम बात करें कि इसका लेवल क्या था, तो ये लेवल थोड़ा सा पोस्ट के अकॉर्डिंग इसका लेवल जो था वो मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल इसको बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल था वो काफ़ी, मतलब ज़्यादा हम कह सकते हैं कि टिपिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि बहुत ईजी पूछे गए हैं। जैसे कि पोस्ट हाई लेवल की है तो उसी प्रकार से जो एग्ज़ाम का लेवल है वो भी उसी प्रकार से हाई मेंटेन किया गया है। तो अब हमें जो है वो उन क्वेश्चंस को देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार से हमें जो है वो उसका आंसर करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो जनरली ब्रीडिंग से पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सीड डेसिएंट मेथड वाज गिवन बाय। तो नॉर्मली यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि मेथड क्या होता है, किस प्रकार से इसका सिग्निफिकेंस है, बट ये पूछा गया है किसको किसने डेवलप किया है, जो कि थोड़ा सा अपने आप में एक डिफिकल्ट बन जाता है, इसका लेवल, इसको डिफिकल्टी लेवल इसका क्रिएट कर देता है। तो हमें पता होना चाहिए कि सिंगल सीड डेसिएंट मेथड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी सेल्फ कोऑर्डिनेटेड क्रॉप्स होती हैं जिनके अंदर एक सिंगल सीड से क्रॉप की मल्टीप्लिकेशन होती है, सिंगल सीड जो है उसकी जनरेशन टू जनरेशन में मल्टीप्लिकेशन में हेल्पफुल होती है, उस मेथड को बोला जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जब हमारा सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप की जो F1 जनरेशन होती है उनमें से सिंगल सीड को ही सिलेक्ट किया जाता है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन की मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो F1 जनरेशन में सिंगल सीड को सिलेक्ट करने के बाद अप टू F5 जनरेशन तक जो है वो उसी प्रकार से उसी है। तो इस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग का मेथड भी है। तो इसको किसने डेवलप किया था, ये CA ब्रेम ने जो है इसको डेवलप किया था। वैसे पहले जो है इसको दूसरे साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, बट बाद में जो है इसको अगर हम ये बोलें कि जिसका मेथड अडॉप्ट किया गया है उसको हम सी ए ब्रेम बोलते हैं। तो इस प्रकार से अब आपको पता चल चुका है कि अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो तो जिस भी साइंटिस्ट ने पर्टिकुलर सिस्टम को, मेथड को या किसी टेक्निक को डेवलप किया है तो हमारे लिए पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आ जाए ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिंजल क्रॉप से, ब्रिंजल की वैरायटी से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी हमने जो है वो काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंजल वैरायटी हैव बीन डेवलप्ड थ्रू सिलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। मतलब कि नॉर्मली इतना ही पूछा है कि कौन सी इनमें से ब्रिंजल की वैरायटी है जो कि सिलेक्शन मेथड के थ्रू डेवलप की गई है। बाकी सारा कुछ जो था वो एग्जाम क्वेश्चन में कन्फ्यूजिंग करने के लिए जो है वो बोला गया है। तो नॉर्मली अब अगर हमने ब्रिंजल को थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तो हम इसको ईजिली कर सकते हैं कि ब्रिंजल की कौन कौन सी वैरायटी हैं जो कि सिलेक्शन मेथड के थ्रू डेवलप की गई हैं। तो इसमें कौन सी वैरायटी आएंगी, पूसा पर्पल लॉन्ग एंड पूसा पर्पल राउंड, दोनों ही जो वैरायटीज़ हैं वो सिंगल सीड मेथड के थ्रू डेवलप की गई हैं। तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ब्रिंजल क्रॉप आपको जब भी हम पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो वैरायटी सिलेक्शन मेथड के थ्रू डेवलप होती है उन्हीं को डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि इन वैरायटीज़ की स्पेसिफिकेशन क्या है। इनका ब्रीडिंग मेथड तो हमने डिस्कस कर लिया है, बट इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो जो पूसा पर्पल लॉन्ग वैरायटी है ये ब्रिंजल की जो है वो एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी है। तो इस फीचर के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ गया है तो नेक्स्ट टाइम में ये पॉसिबिलिटी बनती है कि इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो है वो दोबारा फर्दर से पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर वैरायटी के बारे में या उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो हमें दोनों ही बातों को अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो पूसा पर्पल राउंड वैरायटी है तो नेम से ही इसमें जो फ्रूट का शेप बोल सकते हैं कि राउंड फॉर्म में होता है। तो ये दोनों वैरायटी जो है वो सिलेक्शन मेथड के थ्रू डेवलप की गई हैं। तो अब जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं रिसेंटली आपको पता होगा कि कई एग्जाम्स में तो म्यूटेंट वैरायटीज़ के बारे में पूछा जाता है, कुछ वैरायटी में जो है वो सिलेक्शन मेथड के बारे में पूछा जाता है, ब्रीडिंग मेथड के बारे में। तो इसी प्रकार से अब हमें पता चल जाना चाहिए कि ब्रीडिंग मेथड को पढ़ना, अगर किसी भी वैरायटी का स्पेसिफिक है कि ये पर्टिकुलर वैरायटी किस ब्रीडिंग मेथड से डेवलप हुई है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेल स्टेरिलिटी इज यूज्ड इन अनियन फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। तो आप सभी को, अगर आपने पॉलिनेशन को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि अनियन के अंदर जो है वो मेल स्टेरिलिटी कंडीशन होती है, जो कि एक सेल क्रॉस पॉलिनेशन का मैकेनिज्म है और वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। तो अब मेल स्टेरिलिटी की वजह से इसमें जो है वो हाइब्रिड सीड की डेवलपमेंट होती है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे तो अनियन के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी भी होती है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी भी होती है और साइटोप्लाज्मिक एंड जेनेटिक कंबाइंड मेल स्टेरिलिटी भी प्रेजेंट होती है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो हाइब्रिड वैरायटीज डेवलप होती हैं या फिर हाइब्रिड जो सीड प्रोडक्शन होती है अनियन के अंदर, वो किस मेथड से ज़्यादा होती है? तो जो मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इनमें से वो कौन सा है? वो है CGMS, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में जो है वो बहुत ईजी, अगर आपने अनियन को ऊपर ऊपर से भी पढ़ा हुआ है तो आपको इस प्रकार से आप इसको ईजिली कर सकते थे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है और ये रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो CGMS है। इसके अलावा नेक्स्ट है जो कि फ्लोरिकल्चर से आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो अब हमें बेसिकली जो ये क्लासिफिकेशन पूछी गई है हमारे एनुअल फ्लावर्स की, उनके सीजन के अकॉर्डिंग पूछी गई है कि कौन सा फ्लावर जो है वो समर सीजन का है, कौन सा विंटर सीजन का है और कौन सा जो है वो स्प्रिंग सीजन का है। तो इस प्रकार से जो है वो हमें पता होना चाहिए इन फ्लावर्स के बारे में भी। तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं? पेटोनिया के बारे में बताया गया है कि हमने जो है वो रॉन्ग वाले को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। तो पेटोनिया आप सभी जानते हो कि मोस्ट फेमस फ्लावर है, आजकल जो है हमारा हैंगिंग बास्केट्स में भी पेटोनिया फ्लावर को ही यूज़ किया जाता है मेनली। तो आपको पता होगा इसके बारे में कि एक विंटर सीजन फ्लावर है। इसके अलावा नेक्स्ट है कोचिया। कोचिया तो मेन जो है वो समर सीजन एनुअल फ्लावर है, जो कि इसको ये बेसिकली एक हमारा ऑर्नामेंटल प्लांट हम इसको बोल सकते हैं। इसके फ्लावर जो है वो लेटेस्ट स्टेजेस में लगते हैं प्लांट के ऊपर। तो ये टिपिकल समर सीजन का प्लांट है। तो दोनों तो ये मोस्ट कॉमन पूछी गई हैं, जो कि हमें जनरली पता भी होती हैं कि ये कौन कौन से सीजन में होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, बल्सम पूछा गया है। बल्सम जो है वो रेनी सीजन का एनुअल फ्लावर है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आएगा। त्रिथोनिया के बारे में पूछा गया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि विंटर सीजन एनुअल है, बट ये विंटर सीजन एनुअल नहीं है, ये भी समर सीजन एनुअल है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे जो पेयर था ये इस प्रकार से रॉन्ग है, ये समर सीजन एनुअल आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे आपकी जो एनुअल फ्लावर्स अगर आप स्टडी करते हो उस टाइम पे आपने इसको अच्छे से पढ़ना है कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है, कौन से समर सीजन के अंदर आएंगे, कौन से विंटर सीजन के अंदर आएंगे। ये सारे यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि दूसरा इनका जो फ्लावर का कलर है वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इनमें से किस फ्लावर का कलर कौन सा है। तो ये हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा नेक्स्ट है जो कि सिट्रस के डिजीज से क्वेश्चन आया हुआ है। अब सिट्रस क्रॉप तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है और उसके डिजीजेस तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मेनली जो सिट्रस के अंदर रूट स्टॉक्स की हम सिलेक्शन करते हैं वो डिजीज रेजिस्टेंट देख के ही करते हैं। तो उस प्रकार से ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नोन एज क्विक डिक्लाइन इन सिट्रस। अब क्विक डिक्लाइन का मतलब क्या होता है कि क्विकली जो है वो प्लांट डिक्लाइन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो ये किस डिजीज की वजह से होगा? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो डिक्लाइन कंडीशन किसी भी क्रॉप में अगर होती है वो मेनली वायरस के थ्रू होती है, वायरस की वजह से होती है। तो यहाँ पे जितनी भी ऑप्शंस बताई गई हैं ये सारी मेनली जो है वो सिट्रस के अंदर वायरल डिजीजेज ही हैं, वायरस के थ्रू ये ट्रांसमिट होते, वायरस इनको कॉज करता है और ट्रांसमिट ये इनको कौन करते हैं, इनको हम वेक्टर्स बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे इनके वेक्टर्स भी पता होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो है ट्राइस्टेज़ा वायरस। ट्राइस्टेज़ा वायरस की वजह से सिट्रस के अंदर जो है वो क्विक डिक्लाइन, उसका मतलब बहुत कम टाइम में उसके पूरे के पूरे ट्री जो है वो डिक्लाइन कर जाते हैं, मर जाते हैं, सूख जाते हैं। तो अब ये एक वायरल डिजीज़ है, इसका हमें जो है वो वेक्टर भी पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में जो है वो ट्राइस्टेज़ा वायरस का वेक्टर भी पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो एफिड्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है ट्राइस्टेज़ा वायरस। इसके अलावा अगर हम बात करें ज़ोरोसिस की बात करें तो ये जो है वो सीड के थ्रू जो है वो डिसेमिनेट होता है या फिर ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। इसके अलावा अगर हम एक्सोकॉटिस की बात करें तो ये जो है वो ग्राफ्टिंग टूल्स के थ्रू जो है वो डिसेमिनेट होता है। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि इस प्रकार से सारे जो वायरल डिजीजेज हैं सिट्रस के अंदर इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा डिजीज़ जो है वो किस पर्टिकुलर सिट्रस की स्पीशी को या फिर उसके रूट स्टॉक को जो है वो हार्म करता है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा नेक्स्ट बात है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अब इस एग्जाम में क्या है, इसमें ब्रीडिंग पोर्शन को भी कवर किया गया है और सीड से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मतलब कि ये जो कॉमन पोर्शन है, सीड वाला हो गया, ब्रीडिंग वाला हो गया, ये आपको किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसलिए आपने ये सोच के नहीं जाना कि हम इस एग्जाम को देने जा रहे हैं इसमें सीड ब्रीडिंग नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो कि सभी प्लांट्स के अंदर जो है वो हम बोल सकते हैं कि उनका यूजफुलनेस या उनके प्रिंसिपल उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। टेट्राजोलियम टेस्ट जो है वो किस चीज़ के लिए टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम सीड की वायबिलिटी चेक करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। दूसरा, एग्जाम में कई बार ये भी आ जाता है कि टेट्राजोलियम टेस्ट के थ्रू जो सीड्स नॉन वायबल होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार से की जाती है। तो आपको पता होगा कि जो सीड्स जो हैं वो स्टेंड हो जाते हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे, वायबिलिटी की कैटेगरी में आएंगे या फिर नॉन वायबिलिटी की कैटेगरी में आएंगे, इसका आंसर आपने करना है। इसके अलावा जो बाकी के मैथड्स हैं लाइक जैसे सीड विगर हो गया, सीड विगर के लिए एंड सीड जर्मिनेशन के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं ये भी आपने बतानी है नेक्स्ट आंसर करके इसका। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is photothermo insensitive variety of chrysanthemum? तो क्राइजेंथेमम की जो फोटोथर्मो इनसेंसिटिव वैरायटी है वो पूछी गई है, मतलब कि स्पेसिफिकेशन ऑफ वैरायटी पूछी गई है, जो कि हमारे लिए किसी भी क्रॉप के अंदर किसी भी वैरायटी की इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए जानना कि इसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन क्या है। तो अब सबसे पहले हमें मतलब पता होना चाहिए इस टर्म का मतलब क्या है, फोटोथर्मो इनसेंसिटिव, जो कि ना तो लाइट से सेंसिटिव है ना ही हाई टेम्परेचर या फिर लो टेम्परेचर से सेंसिटिव है। तो मतलब कि ये हमारी इनसेंसिटिव वैरायटी हो गई। तो इसका जो नेम है वो क्या है, पूसा अनमोल। पूसा अनमोल वैरायटी जो है वो फोटो एंड थर्मो इंसेंसिटिव वैरायटी है क्राइजेंथेमम की। तो बाकी की वैरायटीज के बारे में हमें पता होना चाहिए वैसे कि ये कौन कौन सी हैं, और पूसा अनमोल जो था यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। इसको नेक्स्ट भी एग्जाम्स के लिए जो है वो नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए भी हम इसको मान सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडीशन इन विच म्योसिस डज अकर एंड एन एम्ब्रियो राइजेस डायरेक्टली फ्रॉम द एग न्यूक्लियस विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। तो ये डायरेक्टली एक डेफिनेशन पूछी गई है जो कि हमने अपनी प्रीवियस सेशंस में भी डिस्कस की हुई है बहुत बार। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, वैसे तो आपको ये डेफिनेशन पढ़ के पता चल जाएगा कि इसका जो राइट आंसर है वो एपोमिक्सिस आएगा, बट एपोमिक्सिस के अंदर भी जो है वो इसको कंफ्यूज किया गया है कि इसकी एपोमिक्सिस की टाइप किससे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी एपोमिक्सिस अगर है तो इसकी स्पेसिफिक टाइप कौन सी आएगी। तो अब आपको पता होगा कि एपोमिक्सिस का मतलब भी यही होता है कि सीड की डेवलपमेंट हो रही है फ्रॉम सिंगल पेरेंट, मतलब कि सीड जो वैसे तो सीड जो है वो बोथ मेल एंड फीमेल प्लांट के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, बट एपोमिक्सिस के केस में क्या होता है कि सीड जो है वो सिंगल पेरेंट से डेवलप होता है, मतलब कि ए सेक्शुअल प्रोपेगेशन मेथड से डेवलप होता है, उसको हम बोल सकते हैं कि ट्रू टू टाइप सीड होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर एपोमिक्सिस नहीं आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, क्योंकि एपोमिक्सिस की फर्दर टू टाइप्स होती हैं, रिकरेंट एपोमिक्सिस जो कि एप्पल में मोस्ट कॉमन है, इसके अलावा दूसरी होती है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इनका जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है वो किस सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि एम्ब्रियो की जो फॉर्मेशन होगी वो किससे होगी, डायरेक्टली फ्रॉम द एग सेल्स। तो एग सेल्स के एग न्यूक्लियस से जो फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो की वो किस में होती है, वो होती है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में। तो इसी वजह से इसका जो आंसर आएगा वो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस आएगा, और जो रिकरेंट एपोमिक्सिस है उसमें जो है वो एग सेल्स के बाकी के सेल्स से जो है वो उसकी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, उसमें एग सेल्स की नहीं होती, बाकी सेल्स की होती है जो कि एम्ब्रियो सेल के इनसाइड प्रेजेंट होती हैं। तो ये डिफरेंस था दोनों में जो कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता था, और ये क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। तो इस प्रकार से आपने जो है वो ध्यान में रखना है क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो बनाना के डिसऑर्डर से पूछा गया क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछा गया है अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन बनाना करेक्टरिस्टिक्स बाय द एबनॉर्मल एंड प्री मेच्योर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट इज नोन एज, मतलब कि इसमें भी मेन सिम्टम्स ही पूछे गए हैं कि किस डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं। तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं, कोटा बजाई है, येल्लो पल्प है, डी ग्रीन है एंड गूज फ्लैश है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा येलो पल्प। अब हमें अगर नहीं हमने इसको पढ़ा हुआ है तो हमें कभी भी देख के एस्टिमेट नहीं होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। हमारे अकॉर्डिंग या तो हम इसका आंसर डी ग्रीन करेंगे या हम इसका आंसर कोटा बजाई करेंगे, बट दोनों ही यहाँ पे रॉन्ग बनते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पूछा गया है जो कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो येलो पल्प है। अब हमारे लिए यहाँ पे ये भी जानना जरूरी बनता है कि ये जो सारे डिसऑर्डर्स हैं इनका सिम्टम्स किस प्रकार से होते हैं और किस प्रकार से बनाना कोई हार्म करते हैं। तो अब हम इनको डिस्कस करेंगे कौन कौन से सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा सीडीनेस इन फ्रूट है कि जो फ्रूट मेनली बनाना का फ्रूट होता है उसको जो हार्म करता है, उसका जो मेन डिसऑर्डर है वो है कोटा बजाई, जो कि फर्स्ट ऑप्शन थी इस क्वेश्चन की। तो इसमें क्या होता है, ये मेनली जो है वो पूवन वैरायटी में इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि पूवन वैरायटी इसके लिए मोस्ट ससेप्टेबल वैरायटी होती है। दूसरा क्या है, इट इज़ अ डेवलपमेंट डिसऑर्डर एंड अ प्री डिस्पोजिशन टू सीडीनेस। इसके प्रैक्टिस क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा प्रॉपरली बनाना का बंच है और सिंगल फ्रूट है वो डेवलप नहीं हो पाता, उसकी शेप भी जो है वो टोटली चेंज हो जाती है, इस प्रकार से इसके सिम्टम होते हैं। और जो हमारा बनाना का सिंगल ग्रेन है वो अंडर डेवलप्ड रह जाता है। तो इस चीज़ को जो है वो कोटा बजाई बोलते हैं। और ये बाकी इसकी रेमेडी वगैरह बताई गई है कि इसमें क्या क्या रेमेडी होती है। तो इस प्रकार से हमें इसके बारे में, सिम्टम के बारे में मेनली पता होना चाहिए अगर हम किसी भी क्रॉप के डिजीज़ एंड डिसऑर्डर को पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या है, गूज फ्लैश। अब गूज फ्लैश का मतलब क्या होता है, दिस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर अफेक्ट बनाना पील एंड ऑफन ऑब्जर्व्ड इन राइप फ्रूट्स। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि राइप फ्रूट्स में ऑब्जर्व किया जाता है, बट हमारे क्वेश्चन में जो ऑप्शन, हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन सा फ्रूट जो है प्रीमेच्योरली डेवलप हो जाएगा किस डिसऑर्डर के अंदर। तो अब इसका ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इसमें क्या होता है कि जो इफेक्टेड फ्रूट्स हैं वो विल्टेड एंड श्रिवल्ड हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारे सिम्टम क्वेश्चन वाले सिम्टम के थ्रू मैच नहीं करते हैं। नेक्स्ट इसका क्या है, येल्लो पल्प का जो येल्लो पल्प डिसऑर्डर है, इसमें क्या है कि फ्रूट के अंदर प्री मैच्योर एंड एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है इमेच्योर फ्रूट्स की। तो इस चीज़ का ये जो हमारा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि एग्जाम में एग्जैक्टली जो है इसके सिम्टम्स पूछे गए हैं। इसके अलावा डी ग्रेन का मतलब क्या है कि प्रॉपरली बनाना बंच के अंदर जो है वो फ्रूट्स की सिंगल, जिसको हम फिंगर बोलते हैं, उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमने उसको डिग्रेन बोला है। तो ये सारे जो है वो इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स है बनाना के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट है द आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर प्रोड्यूसिंग सर्टिफाइड सीड ऑफ कुकर बीट्स। तो अब नॉर्मली सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन अगेन सीड टेक्नोलॉजी से पूछा गया है कि कुकर बीट सीड के अंदर जो है वो सर्टिफाइड सीड की आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि आइसोलेशन डिस्टेंस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये मेंटेन की जाती है। और यहाँ पे अब हमें क्वेश्चन, वहाँ पे जाके एग्जाम में कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि मेनली हम जो हमारा आइसोलेशन डिस्टेंस वाला टेबल को हम लर्न करते हैं उस टाइम पे दोनों लिखे होते हैं, फाउंडेशन सीड का भी और सर्टिफाइड का भी, बट जनरली हमें जो है वो फाउंडेशन वाला याद रह जाता है। तो उसी वजह से एग्जाम में हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो फाउंडेशन सीड की जो डिस्टेंस है वो होती है 1000 मीटर और सर्टिफाइड की जो है वो 500 होती है। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो सर्टिफाइड सीड आएगा। आपको, हमें अच्छे से पता होने चाहिए। इसके अलावा आपके लिए क्वेश्चन है, आपने बताना है कि 1600 मीटर जो है वो किस वेजिटेबल क्रॉप की आइसोलेशन डिस्टेंस होती है। इसके अलावा 50 मीटर भी किसकी होती है, ये भी आपने बताना है। दोनों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक यूज फॉर कवरिंग रूफ ऑफ ग्रीन हाउस। तो ये क्या है, ये आई थिंक क्वेश्चन हमने अपनी प्रीवियस सीरीज में डिस्कस किया हुआ है, जब हमने ग्रीन हाउसेस को एंड जो मल्चीज थी उनको डिस्कस किया था। उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो कवरिंग मटेरियल होता है ग्रीन हाउस का, उसकी थिकनेस कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इस प्रकार से इस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि जो थिकनेस है उस ग्रीन हाउस के प्लास्टिक मटेरियल की वो कितनी होती है। तो वो बहुत ईजी आंसर है, ये 200 माइक्रोन जो है इसकी थिकनेस रहती है। और ये आपको सभी बुक्स में, अगर आप ग्रीन हाउस को पढ़ रहे हो, किसी में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इजीली से। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था ये वाला जो एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनुअल फ्लावर इज नॉट सूटेड फॉर शेडी कंडीशन। तो कौन सा फ्लावर है जिसको, जो शेडी कंडीशन में जो सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैरीगोल्ड है। आप सभी जानते हो कि मैरीगोल्ड का जो फ्लावर है उसको सनलाइट चाहिए होती है उसको ब्लूम करने के लिए। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का, तो अगर हमें ये तीनों के बारे में नहीं भी पता है तो भी हम इसको इजीली कर सकते हैं कि मैरीगोल्ड का जो फ्लावर है उसको जो है वो सन चाहिए होता है ब्लूमिंग टाइम पे। इसी वजह से शेडी कंडीशन में ये कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है जो कि ट्रेनिंग सिस्टम से क्वेश्चन आया है, और ये भी हमने आई थिंक प्रीवियस सीरीज में डिस्कस किया हुआ है। जो हमारे ट्रेनिंग सिस्टम्स है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी प्रकार से एग्जाम में इसका जो स्पेसिफिक वाले होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन आता है। तो यहीं पे सेम क्वेश्चन आया हुआ है कि एस्पेलियर मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज कॉमनली फॉलोड इन विच फ्रूट क्रॉप। तो बहुत सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन है अगर आपने ट्रेनिंग मैथड्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले एस्पेलियर सिस्टम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि जो प्लांट की ब्रांचेज हैं वो अलॉन्ग द वॉल ट्रेन कर रही हैं, जैसे यहाँ पे शो भी किया गया है। तो इस प्रकार से अलोंग द वॉल जो ब्रांचेस ट्रेन करती हैं, मेनली ये सिस्टम एप्पल एंड पियर में अडॉप्ट किया जाता है, बट जनरली अगर हम बात करें वाइल्ड लेवल में तो एप्पल में ही होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो एप्पल ही आएगा। तो ये बहुत सिंपल एंड इजी क्वेश्चन था। इसके अलावा नेक्स्ट है वेयर इज इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन लोकेटेड। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ISTA जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये भी जो है वो इंस्टीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आया है जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो स्विट्जरलैंड आएगा, आप सभी को पता भी होगा इसके बारे में। इसके अलावा अब हमने इतना तो पढ़ लिया है कि ये स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था। तो ये 1924 में जो है वो ISTA एस्टैब्लिश्ड हुआ था, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम्स में ये प्रोबेबिलिटी रहेगी कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आया तो आपको एस्टैब्लिशिंग ईयर से भी आ सकता है। तो आपने इसको भी में रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोट्रॉप बेंडिंग ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट कॉमन इन। तो आप सभी को पता होगा कि जब हम फ्लावर्स की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो उस टाइम पे सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आती है कि उनकी बेंडिंग हो जाती है। बेंडिंग का मतलब क्या है, वो टूवर्ड्स द अर्थ जो है वो बेंड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उनकी जो मार्केटिंग वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है, उनकी सेल नहीं हो पाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, मेनली फ्लावर क्रॉप्स के अंदर देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि किस क्रॉप में ये नहीं होता है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि किस किस में कॉमन होता है। तो स्नैपड्रैगन में, कार्नेशन में एंड ग्लैडियोलस में, तीनों में ये मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है। यहाँ पे बताया भी गया है कि इनके अलावा बाकी के फ्लावर्स कौन कौन से हैं जिनमें जो है वो जियोट्रॉपिज्म वाला डिसऑर्डर कॉमन होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ल्यूपिन। ल्यूपिन के फ्लावर में जो है वो ये डिसऑर्डर देखने को नहीं मिलता है। आपको पता होगा कि ल्यूपिन का जो फ्लावर है वो लॉन्ग, थोड़ा सा स्टिकी जैसे स्टिक्स में प्रेजेंट होता है, स्टिक्स के अराउंड। तो इस प्रकार से इसमें डिसऑर्डर क्रिएट नहीं होता है। तो बाकी के फ्लावर्स कौन कौन से हैं, ग्लैडियोलस, स्नैपड्रैगन एंड कार्नेशन के अलावा जरबरा एंड ट्यूलिप में भी जो है वो ये वाला डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों तो याद होने ही चाहिए कि किस किस प्रकार फ्लावर में ये डिसऑर्डर कॉमन है। बाकी के भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो है वो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि बाकी ऑप्शंस भी एग्जाम में आ सकती है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बनता था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था जब हमने कोकोनट का लाइव सेशन में इसके कल्टीवेशन को स्टडी किया था। उस टाइम पे भी क्वेश्चन डिस्कस किया था और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। तो इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्मेंटेड बेवरेज। तो इन्होंने यहाँ पे नॉर्मली यही पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है वो फर्मेंटेड है। तो कल हमने नीरा के बारे में बात की थी कि जो कोकोनट पाम से ड्रिंक ऑब्टेन होता है उसको हम नीरा बोलते हैं। टूरिस्ट के बारे में भी बात की थी। तो नीरा का मैंने आपसे पूछा भी था कि ये फर्मेंटेड है या फिर नॉन फर्मेंटेड है। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। तो नीरा जो है वो एक फर्मेंटेड ड्रिंक है, आप सभी को पता भी होगा इसके बारे में कि इसकी एक्सट्रैक्शन के बाद इसको ओवरनाइट इसकी फर्मेंटेशन की जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा फर्मेंटेड ड्रिंक बन जाता है। और अगर हम बाकियों की बात करें, नेक्टर की करें, स्क्वैश की करें या फिर बाले वाटर की करें, ये सारे जो है वो अनफर्मेंटेड ड्रिंक्स होती हैं। तो इसके अलावा जो नेक्टर है इसका मतलब क्या होता है, स्कैशीज क्या है, नेक्टर को डायरेक्टली जो स्कैशीज हैं इनको हम डाइल्यूट करके फिर कंज्यूम करते हैं, और जो नेक्टर्स हैं इनको जो है वो डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया जाता है विदाउट एनी डाइल्यूशन। तो दोनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम नेक्टर्स की बात करें कि नेक्टर्स में फ्रूट जूस का कंटेंट कितना रहेगा, तो वो मिनिमम जो है वो 10% रहता है और मैक्सिमम जो उसकी रेंज है वो 25% होती है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि नेक्टर्स के अंदर जो है वो 10 to 25% जो है वो नेचुरल फ्रूट जूसेस प्रेजेंट रहते हैं। और स्क्वैशेस की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो है ये कंटेंट सेम ही रहता है अप्रॉक्सीमेटली। तो अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है इन दोनों की TSS कितनी है। और नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट यहाँ पे टर्म बताई गई है बाले वाटर, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है, हमने कभी भी सुनी नहीं है। तो बाले वाटर भी एक ड्रिंक होता है जो कि बाले प्लस वाटर के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, और ये भी नॉन फर्मेंटेड होता है, फर्मेंटेड नहीं होता है। इसका भी दोबारा से एक क्वेश्चन और आया हुआ है सेम ही एग्जाम में, उसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा स्वाति ने जो है आंसर किया है कि कॉल क्रॉप्स की 1600 मीटर स्पेसिंग होती है। आपका आंसर बिल्कुल राइट है स्वाति। बाकियों ने इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं किया कि 50 मीटर किसकी होती है। तो 50 मीटर वाला आंसर आप सभी ने करना है कि 50 मीटर स्पेसिंग जो है वो किस क्रॉप की होती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रोसेसिंग से आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोल्ड कॉजेज स्पॉयलेज इन कैंड फ्रूट्स। तो जो कैंड फ्रूट्स होती हैं आपको पता होगा कि मेन जो प्रिजर्वेशन का मेथड है कैनिंग है, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दोनों की प्रिजर्वेशन की जाती है थ्रू कैनिंग मेथड। तो उसमें पूछा गया है कि उनकी जो स्पॉयलेज होती है वो किस मोल्ड के थ्रू होती है। तो मेनली अगर हम बात करें कि अगर हमारे थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज की बात करें तो वो मेनली क्लोस्ट्रीडियम स्पीशी की वजह से होती है। बट अगर हम माउल्ड, जिसको हम फंजाई भी बोल देते हैं, फंजाई आपको पता है कि ऐसी कंडीशन में ग्रो करती है। तो नॉर्मल अगर हम कैंड फूड्स की बात करें, कैंड फूड में दोनों ही आ जाते हैं, फ्रूट्स प्लस वेजिटेबल। तो उसके अंदर हमारा जो केस आएगा वो बैक्टीरिया वाला आएगा। तो उसमें जो मेन हार्म कॉज करेगा वो क्लोस्ट्रीडियम या फिर बैसिलस बैक्टीरिया, उसको जो है वो कॉज करेगा। बट यहाँ पे ओनली फ्रूट्स की बात हो रही है कि जो कैंड फ्रूट्स हैं उनको कौन हार्म करता है। तो उसमें हमारा वैसे तो दोनों ही करते हैं, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस, बट जो मेन हार्मफुल है वो है पेनिसिलियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो पेनिसिलियम आएगा, क्योंकि दोनों की ग्रोथ जो है वो एसिडिक फूड में होती है। तो हमारे फ्रूट्स जो हैं वो एसिडिक होते हैं, इसी वजह से जो है इनकी यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कैंड फ्रूट में कौन जो है वो लॉसेस को कॉज करता है। तो यहाँ पे आपको पता होने चाहिए। राजेश ने बिल्कुल राइट आंसर किया है कि कॉटन में होती है 50 मीटर स्पेसिंग। तो राजेश आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 50 मीटर जो कॉटन की स्पेसिंग बताई है आपने वो फाउंडेशन सीड की है या फिर सर्टिफाइड सीड की है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल ऑफ सेल्स और टिश्यूज टू डेवलप अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज। तो मतलब कि ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन प्रोपेगेशन से आया हुआ है, जो कि माइक्रो प्रोपेगेशन से आया है। तो हमारे प्रीवियस सेशन में हमने माइक्रो प्रोपेगेशन को डिस्कस किया हुआ है, एग्जैक्ट मैंने आपको वहाँ पे बताया था। सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि जो सेल की एबिलिटी होती है कंटिन्यू डिवाइड करने की, उसके बाद वो ग्रो करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसका जो राइट आंसर आएगा टोटीपोटेंसी आएगा। ये हमने बहुत बार क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है, आपको पता होगा इसके बारे में। ये बहुत बेसिक एंड ईजी क्वेश्चन था। उसके अलावा बार्ली वाटर से अगेन क्वेश्चन आ गया, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज यूज टू प्रिपेयर बार्ली वाटर। अब ये थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है क्योंकि बार्ले वाटर में फ्रूट का कैसे रोल आ गया, ये यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। अब मैंने आपको बताया था कि बार्ले वाटर होता क्या है। इसमें बेसिकली बार्ले और वाटर का ये कम्बिनेशन होता है। बार्ले की सोकिंग वाटर में करके एक ड्रिंक बनाया जाता है, इसको हम बार्ले वाटर बोलते हैं। बट उसको फ्लेवर्ड करने के लिए उसमें फ्रूट्स ऐड किए जाते हैं। तो किस फ्रूट का यूज़ उसमें किया जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, जो कि काफ़ी डीप क्वेश्चन है, हम बोल सकते हैं इस चीज़ को, ये डीप क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो मेन फ्रूट यूज़ किया जाता है वो है सिट्रस फ्रूट। अब सिट्रस के अंदर भी कौन सा फ्रूट है ये हमें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मेनली जो है वो लेमन को यूज किया जाता है बार्ले वाटर के अंदर, उसको फ्लेवर्ड करने के लिए। तो लेमन तो आपको पता भी है कि मोस्टली चीजों के अंदर हम लेमन को ही ऐड करते हैं टू ऐड द फ्लेवर। तो इसी वजह से जो है वो बार्ले वाटर के अंदर भी लेमन फ्रूट को ही यूज़ किया जाता है टू ऐड द फ्लेवर। तो आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए। अगर सिट्रस की बात हो रही है तो सिट्रस की क्लास के अंदर ही लेमन आता है। अब आपने सभी ने बताना है कि लेमन का साइंटिफिक नेम क्या है और क्रोमोसोम नंबर क्या है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ईजी एंड मोस्ट डिस्कस्ड क्वेश्चन, जो हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया हुआ है। इन नॉर्थ इंडिया बेस्ट टाइम ऑफ प्रूनिंग ऑफ बेर इज। तो बेर का प्रूनिंग टाइम क्या है नॉर्थ इंडिया में। तो अगर हम प्रूनिंग टाइम की बात कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि प्रूनिंग इंटेंसिटी बेर की क्या है, बेर ग्रोइंग कंडीशन के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बेर की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि बेर एक डेसीडियस ट्री है। इसके अलावा डेसीडियस के अंदर ये किस कैटेगरी में आता है, इसको हम समर डेसीडियस बोलते हैं। और इस टर्म को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, क्वाडियस बोला जाता है। ये क्वेश्चन टर्म भी एग्जाम में आ जाती है कि फॉलोइंग में से कौन सा ट्री जो है वो कैडियस है। इसके अलावा अगर हम प्रूनिंग इंटेंसिटी की बात करें तो बेर के अंदर प्रूनिंग इंटेंसिटी भी जो है वो हाईएस्ट होती है। ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। तो नेक्स्ट आपने ये बताना है कि कौन सा ऐसा दूसरा फ्रूट क्रॉप है जिसकी प्रूनिंग इंटेंसिटी हाईएस्ट है, बेर की जैसे बेर की होती है वैसे उसकी हाईएस्ट है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि समर डेसीडियस ट्री बेर के अलावा और कौन सा है, दोनों आंसर आपने करनी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा मई में। गर्मियों में जो है वो मई जून मंथ में बेसिकली जो है वो बेर के अंदर प्रूनिंग की जाती है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जुलाई तो इसमें नहीं आ सकता है, दिसंबर फेब टोटली रॉन्ग है, तो मे ही इसका राइट आंसर बनता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा टेस्ट सीरीज से ही आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि हमने यूट्यूब पे डिस्कस की हुई है। इसके अलावा ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर की करंट से आया हुआ क्वेश्चन है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट एंजाइम क्लासिफाइड आरटीडी जैकफ्रूट बेवरेजेस। तो जो जैकफ्रूट के बेवरेजेस हैं जो कि रेडी टू ड्रिंक होते हैं उनमें कौन सा एंजाइम जो है वो यूज किया जाता है, फर्स्टली कौन सा एंजाइम जो है वो यूज किया गया था या क्लासीफाई किया गया था। तो इसको हम बोलेंगे अर्का हेलोरस जो है वो इस एंजाइम को जो है वो इस जो जैकफ्रूट से एक रेडी टू ड्रिंक बनाया जाता है, प्रोसेस प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसके अंदर जो है वो इस एंजाइम को अर्का हेलोरस एंजाइम को यूज किया जाता है और इसको जो है वो IIHR बेंगलोर ने डेवलप किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है। तो ये भी थोड़ा सा जो है वो काफी डीप हम इसको बोल सकते हैं कि क्वेश्चन आया हुआ है जो कि हमारी करंट से रिलेटेड भी है। तो इस क्वेश्चन के इसके बारे में फर्दर जान लेते हैं कि जो IIHR बेंगलोर है इसने जो है वो इस एंजाइम को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। ये मेनली जो है वो जैकफ्रूट की पल्प से ड्रिंक को बनाने के लिए ही इसको मेनली क्लासीफाई एंड डेवलप किया गया था सो दैट कि जैकफ्रूट की पल्प की हम मैक्सिमम प्रोसेसिंग कर सकें और उसका जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो भी हैं उसको कंट्रोल कर सकें। तो इस प्रकार से ये जो है वो यूज़ किया गया था। दूसरा आपको ये भी पता होगा कि जो जैकफ्रूट है उसकी मेडिसिनल हेल्थ एंड इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। और दूसरा क्या है, हम ये भी बोला जाता है कि जो जैकफ्रूट का पल्प होता है उसमें 3 to 4 फ्रूट्स का टेस्ट होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैकफ्रूट को हम एज ए वेजिटेबल भी यूज़ करते हैं जब वो अनमेच्योर स्टेज में होता है और जब वो राइपन हो जाता है ओवर राइपनिंग के बाद उसको एज ए फ्रूट भी कंज्यूम किया जाता है। दोनों पर्पजेज से ही ये काफ़ी यूज़फुल होता है हमारे लिए। तो इस प्रकार से जो राइपन फ्रूट है उसके अंदर 3 to 4 फ्रूट्स का फ्लेवर भी ऑटोमेटिकली ऐड होता है। तो अगर हम उसको रिलेट करने की कोशिश करें तो उसके अंदर मैंगो का बोल सकते हैं कि थोड़ा सा फ्लेवर हमें फील होगा, मैंगो का होगा, पाइनएप्पल का होगा, बेर का भी स्लाइड सा फ्लेवर हमें फील होता है। तो इस प्रकार से ये इसका जो सीड है वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है सीड पाउडर को एंड उस सीड के सीड से फ्लोर भी बनाया जाता है जिसको हम फर्दर यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा जैकफ्रूट है उसका सीड प्लस उसका पल्प दोनों को ही मेच्योर एंड इमेच्योर स्टेज में यूज़ किया जाता है और ये हमारा काफ़ी सारे हमारे जो बॉडी के डिजीज़ होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर उसको क्योर करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इस प्रकार से इसकी हेल्थ इंपॉर्टेंस होने की वजह से इससे प्रोसेस्ड प्रोडक्ट डेवलप किया गया है जो कि इसकी इंपॉर्टेंस को और भी बढ़ा देता है। तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज़ यूज्ड इन नॉन फ्रूट बेवरेजेस। अब हम जो मार्केट में आजकल काफ़ी सारे फ्रूट ड्रिंक्स मिलते हैं जैसे फ्रूटी हो गया, माजा हो गया, सारे जो हमारे मिक्स्ड फ्रूट ड्रिंक्स भी होते हैं, इनके अलावा जो नॉन फ्रूट ड्रिंक्स होते हैं उनके अंदर ये पूछा गया कि कौन सा एसिड ऐड होता है। तो उनके अंदर मेनली अगर हम बात करें जो हमारे कार्बोनिक ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनको हम बोल देते हैं, उनके अंदर तो कार्बोनिक एसिड ऐड होता है। बट अगर हम ओवरऑल बात करें कि जो नॉन फ्रूट किसी भी फ्रूट के बिना जो कोई भी ड्रिंक है उसके अंदर कौन सा एसिड है तो उसके अंदर आर्टिफिशियली सिट्रिक एसिड ऐड होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आया था और हमें यहाँ पे ये आइडिया लग गया है कि प्रोसेसिंग से भी जो है वो काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में कवर किए गए हैं जो थोड़े से इंटरेस्टिंग भी हैं और थोड़े से हमें जो है उसकी हमारी नॉलेज को इन्हांस भी करते हैं। हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग अमंग फ्रेश वेजिटेबल्स इज अमंग द फॉलोइंग। तो किस वेजिटेबल की हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती है? तो ये आपको वैसे पता भी होगा कि अनियन, पोटैटो, ओकड़ा, चिली की अगर हम बात करें तो जो हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है वो अनियन की ही की जाती है। और अनियन की अब आपने बताना है कि कौन सी वैरायटीज़ हैं जो कि एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती हैं और कौन सी को हम जो है वो सूटेबल मानते हैं फॉर द एक्सपोर्ट पर्पज़। इसके साथ ही आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी रेवोल्यूशन है जो कि अनियन की कल्टीवेशन को प्रमोट करती है और ओकड़ा की कल्टीवेशन को। दोनों के आंसर आपने बताने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म स्पाइस इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो नॉर्मल सिंपल बहुत बेसिक क्वेश्चन आ गया कि जो स्पाइस वर्ड है वो किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया वर्ड है। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिस लैंग्वेज से ये डिराइव हुआ है इसका मीनिंग क्या है प्लस ये लैंग्वेज कौन सी है। दोनों बातें हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो यहाँ से नॉर्मली स्पाइस से क्वेश्चन पूछा गया है। अब राजस्थान का एग्जाम था तो राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है स्पाइसी जो कि मेनली सीड स्पाइसिस हैं वो हमारे लिए पढ़नी उतनी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो ये यहाँ पे इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्पाइस वर्ड है वो किस लैंग्वेज से डिराइव्ड है। तो ये आपको पता होगा कि लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड वर्ड है। आगे फर्दर जानते हैं स्पाइसेस के बारे में कि उस वर्ड किस वर्ड से डिराइव किया गया है और उसका मीनिंग क्या है। तो बेसिकली जो स्पाइस वर्ड है ये स्पीशीज एरोमेटिका वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब है फ्रूट ऑफ द अर्थ। अब आपको पता होगा कि स्पाइसेस जो हैं वो हमारे फूड के अंदर एक एरोमा को भी ऐड करती हैं और फ्लेवर को भी ऐड करती है। तो इसी वजह से जो है इस वर्ड से ये ड्राइव किया गया स्पाइसिस एरोमेटिशिया एंड इसका मीनिंग क्या है, फ्रूट ऑफ द अर्थ है। अब अगर आपने इफ्को का एग्जाम का एनालिसिस भी देखा होगा, उसमें आपको पता होगा कि उस एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज लैंड ऑफ स्पाइसिस, इंडिया इज नॉन एज व्हाट। ऑप्शन में था लैंड ऑफ स्पाइसिस एंड मेडिसिनल प्लांट्स, तो ये हमारा वहाँ पे राइट आंसर था। यहाँ वहाँ पे सिंपली क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया को जो है वह मसालों की एंड मेडिसिनल प्लांट की धरती बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा इनकी प्रोडक्शन एंड एरिया ज़्यादा है इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें कि टोटल जो है वो 109 स्पीसीज हैं जो कि कल्टीवेशन, कमर्शियल कल्टीवेशन जिनकी हो सकती है, उनमें से जो है वो 63 स्पीशीज जो है ओनली इंडिया में ही ग्रो की जाती है। इसी वजह से इसको जो है वो लैंड ऑफ स्पाइसिस एंड मेडिसिनल प्लांट्स बोला जाता है। तो स्वाति ने बिल्कुल राइट आंसर किया है कि ओकड़ा को हम परभानी क्रांति बोलते हैं, ओकड़ा की कल्टीवेशन को जो प्रमोट करते हैं। इसके अलावा नीलम ने भी सही आंसर किया है कि अनियन का मैंने आपसे पूछा था कि अनियन को कौन सी रेवोल्यूशन प्रमोट करती है, इसका आंसर किसी ने भी नहीं किया। स्वाति बताना इसका आंसर क्या होगा कि अनियन को कौन सी रेवोल्यूशन प्रमोट करती है। इसके अलावा पूछा गया है कि इसके अलावा इसमें बताया गया है कि जो सैफरन एंड काला जीरा हैं दोनों को गोल्डन स्पाइसेस का टैग दिया हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी फर्दर राजस्थान के एग्जाम में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान के भी या किसी भी और एग्जाम में कि गोल्डन स्पाइसेस किन किन को बोला जाता है। और ये मोस्ट एक्सपेंसिव भी होती हैं, आपको पता होगा कि जो केसर है वो काफ़ी कॉस्टली एक्सपेंसिव होता है, तो इसी वजह से है। नीलम ने बोला है पिंक रेवोल्यूशन, तो नीलम आर यू श्योर कि पिंक है या रेड रेवोल्यूशन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, सोइंग टाइम ऑफ खरीफ अनियन इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में खरीफ अनियन का सोइंग टाइम क्या है। अब हमें पता है कि रबी क्रॉप्स को हम किस टाइम में सो करते हैं, खरीफ क्रॉप्स को कब सो करते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे जो है वो अनियन के बारे में पूछा गया है। रिसेंटली हमने एक आई थिंक राजस्थान का एग्जाम था जो कि एनालाइज किया था, उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था कि खरीफ अनियन का सोइंग टाइम क्या होता है, तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन आ गया। तो अगर खरीफ की बात हो रही है तो ऑब्वियसली उसका जो टाइमिंग होगा वो मई जून होगा, तो इसी प्रकार से इसका ये क्वेश्चन है। बाकी आपको रबी अनियन की सोइंग भी पता होनी चाहिए। उस क्वेश्चन में, उस एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि खरीफ अनियन की नर्सरी कब तैयार की जाती है। तो ऑटोमेटिकली अगर हम सोइंग कर रहे हैं तो मेनली जो उसका सोइंग टाइम है उससे 1 या 2 मंथ पहले नर्सरी तैयार होगी। तो इसी प्रकार से अब आपने बताना है कि खरीफ अनियन का जो सोइंग टाइम मई जून है तो इसकी नर्सरी कब तैयार होगी, इसका आंसर आपने करना है। तो सुशांत ने भी बताया है पिंक रेवोल्यूशन। यस, आपका सभी का आंसर राइट है, पिंक रेवोल्यूशन इसका आंसर आएगा। और पिंक रेवोल्यूशन अनियन के अलावा और किस चीज़ को प्रमोट करता है ये भी आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि डिजीज़ से आया हुआ क्वेश्चन है अगेन, और यही सेम डिजीज़ को हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस भी किया था कि पाउडरी माइल्ड्यू और डाउनी माइल्ड्यू में क्या डिफरेंस है, और वही सिम्टम सेम एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। द अपर सरफेस ऑफ रोज लीफ शोज टिपिकल येलो डिस्कलरेशन इज ड्यू टू। तो मैंने आपको बताया था कि जो पाउडरी माइल्ड्यू है, डाउनी माइल्ड्यू है, दोनों में एक मेजर डिफरेंस है कि जो डाउनी माइल्ड्यू है उसके अंदर जो कॉटनी वाइट मास है वो लीफ के बिलो सरफेस पे होता है, और पाउडरी माइल्ड्यू में जो पाउडर फॉर्मेशन है फंगल स्पोर्स की वो अपर एंड बिलो दोनों सरफेसेस पे प्रेजेंट होती है अंडर द सीवियर कंडीशंस। तो दूसरा डाउनी माइल्ड्यू में क्या होता है कि लीफ के बिलो तो वो ग्रोथ रहेगी फंगस की, बट लीफ का जो अपर सरफेस है उसमें येलो कलर फॉर्मेशन हो जाएगी, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि येलो डिस्कलरेशन हो जाएगी। तो डायरेक्ट ये यहाँ पे पूछ लिया गया है, तो उसका जो आंसर आएगा वो डाउनी माइल्ड्यू आएगा। तो ये बिल्कुल राइट है यहाँ पे डाउनी माइल्ड्यू। सुशांत ने बोला है प्राण एंड अनियन, तो सुशांत आपका आंसर बिल्कुल राइट है। प्राण एंड अनियन जो है वो दोनों को प्रमोट जो है वो हमारा पिंक रेवोल्यूशन प्रमोट करता है। इसके अलावा नेक्स्ट है पूसा अर्ली बंचिंग इज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ। तो नॉर्मली जब राजस्थान का पहले एग्जाम था उस टाइम पे भी उसकी सीरीज में, क्वेश्चन सीरीज में हमने डिस्कस किया था कि फेन्यूग्रीक ग्वार जो है जो कि मेनली राजस्थान के अंदर ग्रो की जाती है, उनका एरिया सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर है, वहाँ से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस बनते हैं। तो इसी प्रकार से इस पेपर में भी जो है वो मेनली फेन्यूग्रीक से या फिर जो स्पेसिफिक राजस्थान की क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनसे क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं। तो फेन्यूग्रीक से ही फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन सेम फेन्यूग्रीक से आए हुए हैं। तो इसमें पूछा गया है कि पूसा अर्ली बंचिंग जो है वो किस की वैरायटी है, तो ये जो है वो फेन्यूग्रीक की वैरायटी है, और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, ये डाउनी माइल्ड्यू एंड रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी है हमारा फेन्यूग्रीक की, जिसको हम मेथी भी बोलते हैं। तो दोनों आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट आंसर आपने करना है कि फेन्यूग्रीक किस फैमिली से बिलोंग करती है, और यही सेम क्वेश्चन इसी एग्जाम में आया हुआ है कि फेन्यूग्रीक की फैमिली कौन सी है। इसके अलावा नेक्स्ट है सीड पोटैटो इज स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज एट विच टेम्परेचर, तो सीड पोटैटो जो है वो किस टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है कोल्ड स्टोरेज में। तो सुशांत ने आंसर किया है कि पिंक रेवोल्यूशन को विशाल तिवारी ने जो है वो डेवलप किया था, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। और सतीश ने भी इसका आंसर कर दिया कि प्रॉन एंड अनियन को जो है वो पिंक रेवोल्यूशन प्रमोट करती है। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्या है कि सीड पोटैटो, अब आपको पता है कि पोटैटो जो है एक टेम्परेट फ्रूट क्रॉप, टेम्परेट वेजिटेबल क्रॉप है, तो ट्यूबर्स की कैटेगरी में आता है। तो इसी प्रकार से हमें पता होना चाहिए कि इसका जो टेम्परेचर होगा सीड स्टोरेज का वो भी लो टेम्परेचर है, 2 to 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है इसके सीड को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि पोटैटो सीड की जो डोरमेंसी होती है उसको किस केमिकल के थ्रू ब्रेक किया जाता है, ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सतीश ने बोला है लेग्यूमिनेसी फैमिली। सतीश आपका आंसर तो बिल्कुल राइट है, बट आपने इसको स्पेसिफाई करना है कि लेग्यूमिनेसी फैमिली का नेम क्या है। तो क्योंकि अकेला अगर आपको लेग्यूमिनेसी फैमिली याद हुआ तो ये आपके आंसर करने के लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा। अगर ऑप्शन में लेग्यूमिनेसी फैमिली नहीं है तो वहाँ पे आपको डिफिकल्टी हो जाएगी, तो इस प्रकार से आपने इसको ध्यान में रख के आंसर करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये। इन ग्रीन हाउस प्रोडक्शन ऑफ टमाटो सीड 1 kg ऑफ टमाटो फूड प्रोड्यूसेस अबाउट हाउ मेनी सीड्स। तो इसमें ये पूछा गया है कि अगर हम टमाटो सीड की प्रोडक्शन कर रहे हैं ग्रीन हाउसेज में तो 1 kg फ्रूट से हमें कितने सीड्स एक्सट्रैक्ट होंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हम इसको बोल सकते हैं और डिफिकल्टी लेवल भी इसका जो है वो हाई है अगर आपने इसको प्रैक्टिकल वे में नहीं देखा है तो। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 ग्राम सीड, मतलब कि टमाटो के अगर हम 1 kg फ्रूट से सीड को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें 4 ग्राम सीड जो है वो ऑब्टेन होंगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, आपने बताना है कि टमाटो के अंदर सीड एक्सट्रैक्शन होती है वो किस मेथड के थ्रू की जाती है, या फिर उन सब्सटेंसेस का केमिकल्स का क्या नेम है जिनके थ्रू टमाटो के अंदर सीड एक्सट्रैक्शन की जाती है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने टमाटो कल्टीवेशन के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। तो सतीश ने सही बताया है बिल्कुल, फैबियेसी फैमिली है फेन्यूग्रीक मेथी की। तो यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है इसी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ईजी है, डार्क रेड कलर कंपाउंड ऑफ सेफ्रॉन इज। तो डार्क रेड कलर कंपाउंड जो सेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट होता है, इस प्रकार से केसर का जो डार्क रेड कलर है वो किस कंपाउंड की वजह से होता है, तो उसको भी आप एस्टिमेट कर सकते हो अगर आपको सेफ्रॉन का साइंटिफिक नेम पता है तो, क्योंकि उसके साइंटिफिक नेम से रिलेटेड इसका कंपाउंड का नेम है। तो अब आपने नेक्स्ट बताना है कि सेफ्रॉन का साइंटिफिक नेम क्या है। अब इसका आंसर किया है गुला कुमारी ने, आपका आंसर बिल्कुल राइट है, अल्कली मेथड के थ्रू जो है वो टमाटो के अंदर, वैसे तो दोनों मेथड के थ्रू ही करते हैं, अल्कली मेथड के थ्रू प्लस एसिड मेथड के थ्रू, बट जो बेस्ट मेथड ऑफ सीड एक्सट्रैक्शन है वो अल्कली मेथड ही है टमाटो के अंदर, तो इसी वजह से इसका आंसर जो होगा वो अल्कली मेथड ही आएगा। तो क्रोसिन जो कंपाउंड है इसके थ्रू जो है वो सेफ्रॉन का कलर जो है वो इसी कंपाउंड की वजह से होता है। तो कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि सेफ्रॉन का जो केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होता है सेफ्रॉन के अंदर वो कौन सा होता है। वैसे तो इसके अंदर कैरोटीनॉइड पिगमेंट होती है सेफ्रॉन की, जो कि समवट ऑरेंज एंड रेडिश उसको हम बोल सकते हैं, इसकी उसका येलोइश ऑरेंज कलर होता है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट होती है, बट उसको अगर हम स्पेसिफाई करें कि किस कंपाउंड की वजह से है तो वो क्रोसिन कंपाउंड की वजह से है। अब मैंने आपसे पूछा हुआ है कि सेफ्रॉन का साइंटिफिक नेम क्या है, सेफ्रॉन को हम हिंदी में केसर भी बोलते हैं और इसको हमने पीछे डिस्कस भी किया है कि इसको गोल्डन स्पाइस भी बोला जाता है। बाकी के इसमें ऑप्शंस हैं, कैप्सेंथीन जो है वो बताना है आपने कि किस क्रॉप में ये कंपाउंड प्रेजेंट होता है प्लस इसका रोल क्या होता है, ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में हमने डिस्कस किया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रे वाइट सिलिकेशियस मटेरियल ऑफ वॉल्केनिक ऑरिजन माइंड फ्रॉम लावा फ्लोज। तो ये क्वेश्चन जो है वो नर्सरी, अगर हम प्रोपिगेशन की बात करें नर्सरी से आया हुआ क्वेश्चन है, नर्सरी के अंदर जो हम डिफरेंट ग्रोइंग मीडियाज़ को यूज़ करते हैं उससे आया हुआ ये क्वेश्चन है, जो कि बहुत ईजी एंड बहुत सिंपल है अगर आपने नर्सरी के अंदर ग्रोइंग मीडियाज़ को पढ़ा हुआ है। तो इसमें ऑप्शंस हैं वर्मिकुलाइट, पीट मॉस, परलाइट, रॉक वोल। कल वाले सेशन में हमने जो है वो कोको पीट एंड कोको क्वार के बारे में डिस्कस किया था जो कि एक नर्सरी के मीडियाज़ हैं, उसी प्रकार से जो है इस क्वेश्चन में बाकी के मीडियाज़ के बारे में बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा परलाइट। परलाइट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। परलाइट जो है एक मटेरियल है जो कि वॉल्केनिक ओरिजिन से ड्राइव किया जाता है और ये सिलिकेशियस मटेरियल है। अब हम जान लेते हैं कि बाकी के जो ग्रोइंग मीडियाज़ हैं उनका रोल क्या क्या है और किस प्रकार से हम इसको यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले परलाइट की ही बात करते हैं। जो परलाइट है वो एक सिलिकेशियस मटीरियल है और ये जो है वो इसका ओरिजिन जो है वो वॉल्केनिक ओरिजिन इसको माना जाता है। इसके अलावा इसकी पीएच भी जो है वो न्यूट्रल टू समवट सेलाइन होती है। मेन पीएच रोल जो है वो प्ले करती है हमारा ग्रोइंग मीडिया के अंदर। अगर हमने किसी भी प्लांट को इस मीडिया के अंदर ग्रो करना है तो मेन हमें उसकी पीएच के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इसमें जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है। अब इन मीडियाज़ को हम क्यों यूज़ करते हैं, सवाल को रिप्लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन मीडियाज़ की जो है वेट भी लाइट होता है, प्लस इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉइल। इसी वजह से इनको जो है वो नर्सरी में एज ए ग्रोइंग मीडिया यूज़ किया जाता है। तो इसके अलावा सतीश ने आंसर किया है कि सैफरन का साइंटिफिक नेम है कॉर्कस टाइवर्स, तो आपका आंसर जो है वो राइट है। तो उसी प्रकार से इसका जो नेम है वो कंपाउंड का नेम भी उसी नेम से ड्राइव किया गया है। नेक्स्ट क्या है, अगर हम पीट और परलाइट दोनों को एज ए कंबाइंड ग्रोइंग मीडिया यूज़ करते हैं तो ये मोस्ट पॉपुलर मीडिया है, मोस्ट सक्सेसफुल भी है। तो आपको दूसरा ये पता होना चाहिए, आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर हम किसी भी मीडिया को इंडिविजुअली यूज़ करते हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, बट अगर हम मीडियाज़ को 3 के कम्बिनेशन में बेसिकली अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए मोस्ट इफेक्टिव होते हैं। तो इसी वजह से आजकल जितनी भी हाईटेक नर्सरीज हैं सभी के अंदर जो है वो मीडियाज़ को कम्बिनेशन फॉर्म में यूज़ किया जाता है। आपने सुना भी होगा कि 3:1:1 जो है वो इस रेशो में हम मीडिया को यूज़ करते हैं, तो ये हमारे लिए मोस्ट बेस्ट बेनिफिशियल कम्बिनेशन बनता है। इसके अलावा नेक्स्ट है वर्मीकोलाइट। वर्मीकोलाइट एक मिकेशियस मिनरल है जो कि मिक्का आपने सुना होगा कि हमारा एक एलिमेंट होता है, वहाँ से इसको जो है वो ड्राइव किया जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज ही आ जाता है कि मिकेशियस मिनरल फॉलोइंग में से कौन सा मीडिया जो है वो मिकेशियस मिनरल से या मिक्का से ड्राइव किया गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्लस इसकी ये जो है वो न्यूट्रल मीडिया होता है और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम बाकी के मीडियाज़ की बात करें तो नेक्स्ट है हमारे लिए पीट। तो पीट जो है वो जो हमारा मार्श बोग प्लांट है जिसको हम एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं, तो वहाँ से ड्राइव करके बनाया जाता है ये वाला मीडिया। और इस मीडिया में क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है और ये जो है वो एसिडिक होता है। बाकी दोनों जो थे वो न्यूट्रल थे, बट ये वाला जो है वो एसिडिक प्लांट है, तो एसिडिक मीडिया है। तो इस प्रकार से आपने इसके बारे में अच्छे से पता करना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉस बिटवीन रेडिश एंड कैबेज वाज मेड बाय। तो अगेन ये साइंटिस्ट का नेम पूछा गया है और अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट क्रॉस था रेडिश एंड कैबेज का उसको हम क्या बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि उसको रेफेनो ब्रासिका बोला जाता है। और दूसरा किस साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया है, तो इसको जो है वो कैपेकिनो ने जो है वो डेवलप किया हुआ है। बट ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन आया हुआ है, मेनली एग्जाम्स में यही आता है कि रेडिश और कैबेज के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं। तो इसको रेफेनो ब्रासिका बोला जाता है, बट यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम पूछा गया है जो कि यहाँ पे इसका डिफ़िकल्टी लेवल को हाई कर देता है, इस क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल को। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर is used to provide shade and protect container grown plants from high summer temperature and light radiations। तो इसमें पूछा गया है कि जो नॉर्मल हमारे ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, कंटेनर प्लांट्स होते हैं, उनको समर सीजन में शेड प्रोवाइड करने के लिए हम किस स्ट्रक्चर्स में रखते हैं। तो इनको बेसिकली जो है वो लैथ हाउसेज में रखा जाता है, उनको हम लैथ हाउसेज बोलते हैं, जो कि कवर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। बेसिकली उनके अंदर एयर क्रॉसिंग की फैसिलिटी भी प्रेजेंट होती है, उनके अंदर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं सो दैट की एयर क्रॉसिंग हो सके। बट कवर्ड वो इसलिए होते हैं क्योंकि उसको हमने समर से सनलाइट से बचाना होता है। तो ये हमारा मेन एक प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी प्रोपेगेशन से ही आया है। वो क्वेश्चन है नर्सरी के अंदर हम बेसिकली स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते होते हैं। बाकी पॉली हाउस क्या है, ग्लास हाउस क्या है, इंसेक्ट प्रूफ नेट क्या है, इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउसेज क्या है, इनको हमने प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ग्लास हाउस में एंड पॉली हाउस में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि दोनों में जो मेजर डिफरेंस है मेनली इनके जो क्लैडिंग मटेरियल है उनके ऊपर मेजर डिफरेंस है इनका, कि एक में जो है वो क्लैडिंग मटेरियल को हम एज अ ग्लास यूज़ करते हैं, दूसरे में क्या है कि पॉलीथीन शीट को यूज़ किया जाता है फॉर द क्लैडिंग मटीरियल। अब क्लैडिंग मटीरियल क्या है, ये आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हो, उसमें डिस्कस किया हुआ है बहुत डीप में कि क्लैडिंग मटीरियल क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, उसकी किस प्रकार से ग्रीन हाउस के अंदर बाकी की सारी टर्म जो है वो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो इसके अलावा इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस क्या है, इसमें जनरली नेट शेप में नेट फॉर्म में एक जो है वो मैश होता है जो कि हम कवरिंग के लिए यूज़ करते हैं। एक तो ये शेड से बचा लेता है प्लांट्स को, दूसरा क्या है इंसेक्ट का डैमेज भी, इंसेक्ट का अटैक भी नहीं होने देता। तो इस प्रकार से सिंपली जो भी ये भी जो था एक मटेरियल बेसिस टर्म ही थी जो कि सारे हमारे प्रोटेक्टेड, ये सारी टर्म जो है वो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर डिस्कस की जाती हैं और यहाँ से ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हमारा प्रोपिगेशन से इस एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं जो कि बेसिक है हमारा हॉर्टिकल्चर का, तो इसी वजह से हमारे लिए ये पढ़ना इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन है, वो भी हमारा डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन ही है। इसमें पूछा गया है मैंगो रूट स्टॉक फॉर कैलकेरियस सॉइल एंड सेलाइन इरीगेशन वाटर इज। इसमें नॉर्मली हमने डिस्कस किया हुआ था कि मैंगो का सॉल्ट टॉलरेंट रूट स्टॉक कौन सा है, तो वही सेम क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो अब इसमें नॉर्मल सी बात है, स्टार्च किसी भी रूट स्टॉक का नेम नहीं है, ना ही कोई 20 नाम का रूट स्टॉक है, 31 भी कोई नहीं है, तो इसमें जो आंसर आएगा हमारा कुरुकन ही आएगा। वैसे भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो कुरुकन रूट स्टॉक है मैंगो के अंदर वो सॉल्ट टॉलरेंट सॉल्ट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है। और इसको आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपने बताना है कि जो कुरुकन रूट स्टॉक है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है मैंगो के अंदर, मोनोएम्ब्रायनिक है या फिर पॉलीएम्ब्रायनिक है। ये क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज समर सीजन एनुअल फ्लावर। तो समर सीजन एनुअल पूछा गया है, पीछे भी ये सेम ही क्वेश्चन आया था आई थिंक, जहाँ पे इसको हमने ऑड वन आउट को रॉन्ग करना था, तो यही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि जो त्रिथोनिया है ये समर सीजन फ्लावर है। बाकी अगर हम पेंसी की बात करें तो पेंसी जो है वो विंटर सीजन है, बेल्स ऑफ आइलैंड भी जो है ये विंटर सीजन एनुअल है, ये दोनों जो है वो विंटर सीजन एनुअल्स हैं। प्लस अगर हम बल्सम की बात करें तो ये हमारा जो है वो रेनी सीजन एनुअल है। तो एनुअल से ही जो है वो 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन जो मैरीगोल्ड वाला था वो भी जो है वो फ्लोरिकल्चर से ही आया हुआ है, मतलब कि हमारे लिए एनुअल एंड ऑर्नामेंट प्लांट्स को पढ़ना भी हमारे लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फेनल इन इंडिया। अब फेनल आप सभी को पता है कि फेनल को हम सौंफ बोलते हैं, तो सौंफ की लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछी गई है यहाँ पे, तो इसका आंसर राजस्थान ना होकर गुजरात है इसका आंसर, क्योंकि रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 2022 के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें जो है वो गुजरात नंबर 1 पे है और राजस्थान जो है वो नंबर 2 पे है। बट वहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न ये होगी कि राजस्थान का एग्ज़ाम है तो राजस्थान ही नंबर 1 पे आएगा, बट नहीं, यहाँ पे गुजरात नंबर 1 पे है, राजस्थान जो है वो नंबर 2 पे है, और 3rd नंबर पे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो रैंक है वो 3rd है इन द फेनल प्रोडक्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से, काफ़ी जो है ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है इस एग्ज़ाम में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ प्लांटिंग मटेरियल फॉर प्लांटिंग ऑफ 1 हेक्टेयर ऑफ टर्मेरिक क्रॉप इज। तो टर्मेरिक जिसको हम हल्दी बोलते हैं उसके लिए प्लांटिंग मटेरियल सबसे पहले आपने बताना है कि क्या होता है, उसका प्रोपिगेशन किस प्रकार से होता है, किस मेथड के थ्रू उसका प्रोपिगेशन किया जाता है। प्लस सेकेंड उसका पूछा गया है कि कितना उसका जो है वो प्लांटिंग मटेरियल हमें रिक्वायर होता है उस की प्रोपिगेशन के लिए। तो 1500 टू 25 kg हमें जो है वो टर्मेरिक चाहिए होता है, और इसका जो प्लांटिंग मटेरियल है इसको हम क्या बोलते हैं, राइजोम्स बोलते हैं। राइजोम्स के थ्रू जो है इसकी प्रोपिगेशन की जाती है, जिसको हम जो कि एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के अंदर इसको कवर किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए कि इसको हम राइजोम के थ्रू प्रोपिगेट करते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जो है वो इस प्रकार से भी आ सकता है कि टर्मेरिक का प्रोपिगेशन मेथड कौन सा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज फ्रूट सेट इन टमाटो एट हाई एंड लो टेम्परेचर। अब टमाटो के अंदर हमने ये पढ़ा था कि टमाटो जो है वो थर्मोसेंसिटिव क्रॉप है, मतलब कि ये हाई टेम्परेचर को भी नहीं टॉलरेट कर पाता और लो को भी नहीं कर पाता। टॉलरेट ना करने का मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा या फिर लो हो जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसकी यील्ड के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, फ्रूट सेट भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। दूसरा आपको पता भी होगा कि टमाटो के अंदर अगर टेम्परेचर हाई हो जाए तो इसके फ्लावर शेड कर जाते हैं, तो इसका रीज़न भी यही होता है। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बट हमें यहाँ पे पता होना चाहिए क्योंकि जैसा एग्जाम की पोस्ट है उसी प्रकार से इसको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 50 ppm PCPA जो है वो यूज किया जाता है टू इंक्रीज द फ्रूट सेट। इसका जो मेन रोल होता है वो फ्रूट सेट एंड फ्रूट यील्ड को इंक्रीज करना होता है, तो इसी वजह से इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। और ये जो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। तो सभी ने इसका आंसर किया है कि जो कुरुकन रूट स्टॉक है वो पॉलीएम्ब्रायनिक है। यस, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। साथ में अगर हम पॉलीएम्ब्रायनिक की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि और कौन कौन से मैंगो के रूट स्टॉक्स हैं जो कि पॉलीएम्ब्रायनिक हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है अ प्रोसेस वेयर फ्रीजिंग इज प्रोसीडेड पार्शली डिहाइड्रेशन इज नोन एज। तो ये भी प्रोसेसिंग से आया हुआ क्वेश्चन है जो कि बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा हुआ है। तो इसमें पूछा गया है कि जब हम प्रोसेसिंग करते हैं बाय फ्रीजिंग मेथड, तो उसमें जब हम पहले थोड़ी सी ड्राइंग कर देते हैं किसी भी चीज़ की जिसको हमें फ्रीज करना होता है, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं? तो उसको जनरली क्या है, डीहाइड्रो फ्रीजिंग बोला जाता है। वैसे तो उसको लायोफाइलाइजेशन बोलते हैं, तो बट यहाँ पे इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा इसको वैसे क्या बोला जाता है, लायोफाइलाइजेशन बोला जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि फ्रीजिंग बाय ड्राइंग मेथड को हम क्या बोलते हैं। बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत ही सिंपल पूछा हुआ था, तो इसका आंसर जो बनेगा वो डीहाइड्रो फ्रीजिंग बनेगा। तो इस प्रकार से बहुत से इस क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा, इस एग्जाम में जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बहुत ही सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट है, ये भी अगेन मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है, फाउंडेशन सीड इज द प्रोजेनी ऑफ। फाउंडेशन सीड किसकी प्रोजेनी है? तो अब सीड से तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सा सीड जो क्लास है किसकी प्रोजेनी है, प्लस उस पर्टिकुलर सीड का कलर टैग कौन सा होता है। तो प्रोजेनी का मतलब होता है पर्टिकुलर सीड से जो उसके फर्दर जनरेशन बन रही है उसको हम प्रोजेनी बोलते हैं, और जिससे वो जनरेशन बन रही है उसको प्रोजेनिएटर बोला जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी क्या है, तो ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड किसकी प्रोजेनी है, तो ब्रीडर सीड की ये प्रोजेनी है। और ये पूछ लिया जाता है अगर कि फाउंडेशन सीड का प्रोजेनेटर कौन है, तो इसका आंसर क्या आना था, ये आपने बताना है कि फाउंडेशन सीड का प्रोजेनेटर कौन होगा। और सेम बात ही है वैसे कि फाउंडेशन सीड किसकी प्रोजेनी है या फिर इसका प्रोजेनेटर कौन है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ब्रीडर सीड आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाउंडेशन सीड किसकी, फाउंडेशन सीड किसका प्रोजेनेटर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है कि फाउंडेशन सीड जो है वो किसका प्रोजेनेटर है। इसके अलावा इनके कलर टैग्स भी हमें याद होने चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो कि कुकर बिट्स से क्वेश्चन है, और कुकर बिट्स के अंदर आपको पता होगा कि हम जो है वो उसके अंदर मेनली टेम्परेचर की वजह से या फिर जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है वो टाइम टाइम चेंज हो जाते हैं, उनका फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। तो उसी वजह से जो है वो हम डिफरेंट केमिकल को यूज़ करते हैं जो कि मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर के प्रोडक्शन को इन्हांस करते हैं। तो वही सेम जो चीज़ है वो यहाँ पे पूछी गई है कि विच केमिकल इज़ यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द गाइनोशियस लाइंस इन ककम्बर। तो इसमें क्या है कि अब हमें पता होना चाहिए कि गाइनोशियस लाइन का मतलब क्या है और किस लिए ये हमारे लिए यूज़फुल है। तो इसका पहले सीड वाले क्वेश्चन का सभी ने आंसर राइट किया है कि फाउंडेशन सीड का जो प्रोजेनी होगी वो कौन होगी, तो वो फाउंडेशन सीड किसकी प्रोजेनेटर है, तो वो आएगा सर्टिफाइड सीड का। तो यस, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है कुकम्बर का गाइनोशियस लाइन का, बेसिकली जो कुकम्बर को हम ग्रीन हाउसेज में ग्रो करते हैं वो गाइनोशियस कुकम्बर्स ही होते हैं। अब गाइनोशियस का मतलब क्या है, जिसके ऊपर ओनली फीमेल फ्लावर्स होते हैं उनको हम गाइनोशियस बोलते हैं। प्लस उनके अंदर जो है वो मेंटेनेंस किस केमिकल के थ्रू की जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो है हम मेल फ्लावर्स की प्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं, तो इसमें हम जो है वो सिल्वर थायासल्फाइड को यूज़ किया जाता है। तो आपको पता होगा कि मेल फ्लावर को कौन सा केमिकल यूज़ करता है इन कुकरबिट्स, तो वो सिल्वर केमिकल है, सिल्वर थायोसल्फाइड या फिर सिल्वर नाइट्रेट को यूज़ किया जाता है। प्लस अगर हम फीमेल की बात करें कि फीमेल फ्लावर्स को कौन सा केमिकल इंड्यूस करता है, तो उसमें हमारा जो आंसर आएगा वही थाइलिन या फिर एथरल आएगा। तो दोनों बातें आपने ध्यान में रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है डे न्यूट्रल स्पीशीज ऑफ अमरैंथस इज। तो अमरैंथस अगेन जो है वो राजस्थान का एरिया का क्रॉप है, और आपको पता होगा कि अमरैंथस जो है वो हमारा लीफी वेजिटेबल है, समर लीफी वेजिटेबल इसको बोला जाता है, और ये C4 प्लांट्स की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर इसका एरिया ज़्यादा होने की वजह से ही ये वहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन गया था। तो यहाँ पे इसका पूछा गया है कि कौन सी स्पीशी जो है इसकी डे न्यूट्रल है, तो कौन सी है, अमरैंथस हाइफोचोंड्रियस जो है इसकी डे न्यूट्रल स्पीशी है। ये जो है थोड़ा सा आपको एज इट इज़ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है, अब नॉर्मल स्पीशी आपको इसकी याद होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमा प्रियंका इज़ अ वैरायटी ऑफ। तो गोमा प्रियंका जो है वो किस फ्रूट की वैरायटी है, तो नॉर्मली अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस फ्रूट की है। वैसे अगर हम डिस्कस करें तो ये जामुन फ्रूट की वैरायटी है, इंपॉर्टेंट वैरायटी है जामुन की, जो कि इसमें क्या है कि अब अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि गोमा वर्ड से आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये वैरायटी बेर की भी हो सकती है और आंवला की भी हो सकती है, क्योंकि दोनों के अंदर ही जो है वो गोमा सीरीज वाली वैरायटीज़ को डिस्कस किया जाता है। इनका जो रिसर्च स्टेशन जोधपुर वाला है वहाँ से ये वैरायटीज़ डेवलप की जाती हैं, तो इस प्रकार से हमें कन्फ्यूज़न हो सकती है। बट अगर आपको इन दोनों की वैरायटीज़ के नेम याद हैं तो आप इजीली ऑप्ट कर सकते हो कि दोनों के अंदर हमने इसको नहीं पढ़ा हुआ है तो ये जामुन की ही वैरायटी है। तो इस प्रकार से वैरायटी से भी काफ़ी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन वैरायटी से आ गया कि किस फ्रूट की वैरायटी है। इसके अलावा नेक्स्ट है अगेन माइक्रो प्रोपिगेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द ऑप्टिमम लेंथ ऑफ शूट टिप्स यूज्ड इन माइक्रो ग्राफ्टिंग। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोपिगेशन नहीं पूछा गया है, माइक्रो ग्राफ्टिंग के बारे में पूछा गया है। नॉर्मली हम ग्राफ्टिंग में क्या होता है आप सभी जानते हो कि एक हम रूट स्टॉक के ऊपर साइन स्टिक को इंसर्ट करते हैं, उसको हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो जनरली अगर हम उसकी लेंथ की बात करते हैं तो हमें ये कंसीडर करके चलते हैं कि उस लेंथ के ऊपर मिनिमम 3 to 5 बर्ड्स होनी चाहिए, तो वो लेंथ सफिशेंट होती है फॉर द प्रोपिगेशन इन एज अ ग्राफ्टिंग। बट अगर हम उसकी लेंथ की बात करें तो वो 15 to 45 सेंटीमीटर तक उसकी लेंथ हो सकती है। बट यहाँ पे जो बात की गई है वो है माइक्रो ग्राफ्टिंग की बात। माइक्रो ग्राफ्टिंग के अब ग्राफ्टिंग के आगे माइक्रो वर्ड लग गया है तो इसका मतलब क्या है कि ये माइक्रो प्रोपिगेशन का पार्ट है, प्लस इसमें हम प्लांट पार्ट को, बहुत छोटे पार्ट को यूज़ करेंगे। तो इसका सतीश आपने बोला है कि इसका आंसर बेल होगा, तो बेल इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। बेल की वैरायटीज जो है वो डिफरेंट है, उसमें गोमा, यशी, गोमा, कीर्ति वैरायटीज हैं बेल के अंदर। तो आपको पता होगा कि बेल एंड बेर एंड हमारा जो हमने डिस्कस किया था इन सभी की वैरायटीज जो है वो गोमा सीरीज वाली है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो जामुन ही है। गोमा प्रियंका जो है वो जामुन की इंपॉर्टेंट वैरायटी है। तो माइक्रो ग्राफ्टिंग की उन्होंने पूछा गया है कि जो शू टिप होती है उसकी लेंथ पूछी गई है, तो ये भी जो है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। 0.5 to 1 mm जो है वो उसकी लेंथ होती है। टोटल अगर हम बात करें कि जो हमारा माइक्रो प्रोपिगेटिंग वाला ये रूट स्टॉक होता है जिसकी हम माइक्रो ग्राफ्टिंग करते हैं, तो इस रूट स्टॉक की लेंथ कितनी होती है, तो इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये बट ये रूट स्टॉक की लेंथ की बात हो रही है और यहाँ पे ओनली शू टिप की बात थी, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 0.5 टू 1 mm आएगा। तो इस प्रकार से माइक्रो ग्राफ्टिंग के बारे में पूछा गया है। अब आपने ये बताना है कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स में माइक्रो ग्राफ्टिंग कमर्शली पॉसिबल हो सकती है। सॉरी स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, इसकी वजह से साउंड की प्रॉब्लम हो गई थी। तो आपका मैं ये बोल रही थी कि जो माइक्रो प्रोपिगेशन आप बोल रहे हो कि काफ़ी छोटा पार्ट हो जाएगा, तो वो छोटा होता है, इसी वजह से तो उसको माइक्रो ग्राफ्टिंग बोला गया है। बहुत छोटा होता है, उसको मेनली इन विट्रो कल्चर ही उसका किया जाता है, उसको टेस्ट ट्यूब में ही परफॉर्म करते हैं, तो इसी वजह से वो छोटा पार्ट ही होता है। नाव अब आवाज़ आ रही है सभी को? सतीश रावत, अभी तक नहीं आ रही साउंड? एग्रीकल्चर ट्रिक्स सभी कमेंट करके बताओ कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही। तो हम डिस्कस कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि बहुत इजी एंड सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है विच फ्रूट इज नॉट रिलेटेड टू पॉम फ्रूट। सो मैं आपको बता रही थी कि हमें पता होना चाहिए कि फ्रूट टाइप के अकॉर्डिंग हम फ्रूट्स को किस किस कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। तो पॉम फ्रूट्स को बेसिकली हम फॉल्स फ्रूट्स भी बोलते हैं, और ये जो हैं वो इन्फीरियर ओवरी से डेवलप होती हैं। इसके अलावा बेरी, ड्रूप, ये सारे जो हैं वो फ्रूट टाइप्स में कंसीडर किए जाते हैं। इनको सिंपल फ्रूट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और बेरी का मतलब क्या है, ड्रूप का मतलब क्या है। अब जिन फ्रूट्स में स्टोन काफ़ी हार्ड एंड लार्ज साइज़ का होता है उनको हम ड्रूप बोलते हैं, और जिनके अंदर सीड काफ़ी छोटे छोटे होते हैं उनको हम जो है वो बेरीज बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ऑड वन को आउट करना है, मतलब कि जो पॉम नहीं है बस उसी को ही आउट करना है। तो अब आपको पता है कि एप्पल, पीयर, लोकार्ड ये सारे जो हैं वो रोजेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसी वजह से ये सारे जो हैं वो पॉम फ्रूट्स भी हैं। प्लस जो पीच है ये भी वैसे फैमिली तो रोजेसी का ही है, बट ये पॉम फ्रूट नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो है वो सीड या स्टोन इसका काफ़ी डोमिनेटिंग होता है, काफ़ी हार्ड एंड जो है वो लार्ज साइज का होता है, इसी वजह से ये जो है हमारा ड्रूप की कैटेगरी में आता है। अगर हम बात करें कि रोजेसी फैमिली के कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो कि ड्रूप की कैटेगरी में आते हैं, तो उसका जो राइट आंसर आएगा वो पीच आएगा, प्लम आएगा। तो इसके अलावा थर्ड कौन सा है ये आपने बताना है। लोकार्ड जो है ये पॉम फ्रूट है, ये हमारा जिसने भी इसका आंसर लोकार्ड किया है तो आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग है। लोकार्ड हमारा पॉम फ्रूट ही है, बट पीच एंड प्लम जो है ये दोनों ड्रूप हैं, ये पॉम नहीं है। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन। The color tag of issued for breeder seed is, breeder seed के लिए कौन सा color tag है, तो ये simple सा question पूछा गया है। तो इसका जो color tag है वो है golden brown, हम इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे सिंपली golden ही लिखा गया है, तो इसका जो color tag है वो golden है। प्लस आपको बाकी सभी का भी पता होना चाहिए कि white color किसका tag होता है, blue किसका tag है और green किसका tag है, green है या नहीं है। इसके अलावा अगर हम वाइट की बात करें तो वाइट जो है वो फाउंडेशन सीड का टैग होता है, और ब्लू की बात करें तो ब्लू जो है वो सर्टिफाइड सीड का टैग होता है, और ब्रीडर वाले की तो हमने बात कर ही ली है। तो नेक्स्ट आपने बताना है कि ग्रीन जो है वो किस फ्रूट का किस सीड क्लास का टैग होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर भी लिया है कि फेन्यूग्रीक बिलोंग्स टू विच फैमिली, फेन्यूग्रीक किस फैमिली से बिलोंग करती है। तो सिंपल मोस्ट इजी क्वेश्चन आया हुआ है फेन्यूग्रीक से, तो आप सभी को पता है कि फेन्यूग्रीक जो है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, तो इसी वजह से इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा फैबियेसी फैमिली। बाकी सारी जो है वो आपको पता होना चाहिए कि किस फैमिली के अंदर कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं। तो अगर मैं एपीएसी फैमिली का पूछूं किस फैमिली में कौन सी वेजिटेबल एंड फ्रूट आती है, तो इसका आंसर आपने करना है कि एपीएसी फैमिली के अंदर कौन कौन आता है। इसके अलावा माइटेसी फैमिली में कौन कौन से फ्रूट्स प्रेजेंट हैं, और ऑर्किडियसी फैमिली में कौन कौन से फ्लावर्स फ्रूट जो भी है प्रेजेंट हैं। तो सभी ने आंसर जो है बिल्कुल राइट किया है। सीड क्लासेस का आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ट्रूथफुल सीड का जो है वो ग्रीन कलर होता है टैग का, तो बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का। तो यस, तीश ने आंसर राइट कर दिया है कि पीच, प्लम एंड एप्रीकॉट तीनों ही ड्रूप फ्रूट्स हैं, बाकी सारे जो हैं वो पॉम फ्रूट्स होते हैं। उसके अंदर हमारा रोजेसी फैमिली के अंदर अगर हम स्ट्रॉबेरी की बात करें तो स्ट्रॉबेरी जो है वो बेरीज में आती है, तो इस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स एंथेसिस टेक्स प्लेस इन इवनिंग आवर्स। तो मेनली हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। कविता ने आंसर किया है एपीएसी क्रोंदा, तो नो कविता आपका आंसर रॉन्ग है। क्रोंदा की फैमिली है, क्रोंदा की फैमिली कौन सी है, एपोसाइनेसी जो है वो क्रोंदा की फैमिली है। कविता ने आंसर किया है माइटेसी ग्वावा की फैमिली है। यस, आपका आंसर बिल्कुल राइट है, बट आपने साथ में ये भी बताना है कि ग्वावा के अलावा माइटेसी फैमिली में और कौन से फ्रूट्स हैं। और जैनिश ने आंसर किया है ऑर्किडेसी जो है वो वनीला की फैमिली है। यस, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो एपीएसी जो है वो क्यूमिन की फैमिली है। यस, क्यूमिन कोरिएंडर की फैमिली है जो कि हमारे सीड स्पाइसेस हैं। बिल्कुल राइट आंसर है धीरेन्द्र आपका। इसके अलावा माइटेसी ग्वावा एंड जामुन की फैमिली है। यस, बिल्कुल राइट। एंड अब यहाँ पे एपोसाइनेसी थी जो क्रोंदा की फैमिली थी। तो इसके अलावा यहाँ पे पूछा गया है कि किस वेजिटेबल की एंथेसिस जो है वो इवनिंग आवर्स में होती है। तो एंथेसिस का मतलब क्या है कि जब फ्लावर ओपन होते हैं पॉलिनेशन के लिए तो उस चीज़ को हम एंथेसिस बोलते हैं। तो अब एंथेसिस मेनली जो है वो सनलाइट में या फिर मॉर्निंग आवर्स में ही होती है बेसिकली, बट कुछ हमारे पास क्रॉप्स ऐसी हैं जिनकी एंथेसिस जो है वो इवनिंग आवर्स में होती है। तो इसलिए जो इस हमारा कुकुरबिटेसी फैमिली की कौन सी वेजिटेबल है जिसकी एंथेसिस इवनिंग आवर्स में होती है, तो इसका आंसर है रिच गॉर्ड। ये भी स्पेसिफिक क्वेश्चन ही आया हुआ है। जनरली सभी की जो है मॉर्निंग में होती है, बस 1 और 2 कुकुरबिटेसी फैमिली की वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनकी जो है वो इवनिंग आवर्स में होती है। तो यहाँ पे तो नॉर्मली उन्होंने इवनिंग बोल दिया था, बट अगर आपको टाइमिंग आ जाती कि किस टाइम में होती है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 to 9 PM जो टाइम होता है हमारा शाम का 6 से 9 बजे का, उस टाइम में रिजगढ़ की जो है वो एंथेसिस होती है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपने बताना है कि रिजगढ़ का साइंटिफिक नेम क्या है, कॉमन नेम इसका क्या है और इसका क्रोमोसोम नंबर क्या है, क्योंकि फैमिली तो आपको पता है कि कुकुरबिटेसी जो है वो इसकी फैमिली है। तो रिजगढ़ का आपने बताना है कि साइंटिफिक नेम क्या है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्रोसेसिंग से है और बहुत सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन है। यस विनय बिल्कुल राइट, 6 to 9 PM जो है वो शाम को इसकी एंथेसिस होती है हमारे स्पॉन्ज गढ़ की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमिजिबल लिमिट ऑफ बेंजोइक एसिड इन टोमेटो प्यूरीज। तो बेंजोइक एसिड की जो टोमेटो प्यूरी के अंदर लिमिट है वो कितनी होती है, तो उसका जो आंसर है वो आएगा 250 ppm। तो आपको पता होगा कि हम जो है वो हमारे फूड्स के अंदर एज ए प्रिजर्वेटिव 2 केमिकल्स को यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा बेंजोइक एसिड, दूसरा होता है पोटेशियम मेटासल्फेट, दोनों को ही जो है वो यूज़ किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव। तो अब आपको पता होना चाहिए। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सतीश आपने बोला है यूकलिप्टस, तो आपका आंसर यहाँ पे कैसे आ गया, यूकलिप्टस किसकी फैमिली बोली है आपने, तो बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ पे ये नहीं आएगा इसके अंदर। इसके अलावा ल्यूफा क्यूटेंगला उषा ने बताया, बिल्कुल राइट है उषा, आपका आंसर ल्यूफा क्यूटेंगला ही जो है वो स्पॉन्ज गड की फैमिली है। तो इसके अलावा अगर हम परमिजिबल लिमिट की बात करें कि मैं आपसे पूछ रही थी कि आपने बताना है कि हम बेंजोइक एसिड एंड पोटेशियम मेटासल्फेट दोनों को ही यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेसिंग, दोनों केमिकल्स को यूज़ किया जाता है, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी केमिकल्स भी बोला जाता है। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी के अंदर बेसिकली सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल को कंसिडर किया जाता है, ये इनको हम प्राइमरी प्रिजर्वेटिव्स या फिर प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी केमिकल्स बोलते हैं। और अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी के अंदर एक तो बेंजोइक एसिड आ जाता है, दूसरा हमारा आ जाता है पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट। तो अब आपने ये बताना है कि कलर्ड फ्रूट्स के अंदर हम किस केमिकल को ऐड करते हैं इन दोनों में से जो सेकेंडरी केमिकल्स है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि कलर्ड फ्रूट्स के अंदर जो है वो कलर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर या फिर कलर्ड फ्रूट्स के अंदर किस केमिकल को ऐड किया जाता है। तो ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसका जो राइट आंसर आएगा वो 250 ppm आएगा। बहुत सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन था अगर आपने प्रोसेसिंग को पढ़ा हुआ है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पाइस पार्क इज सिचुएटेड एट। तो स्पाइस पार्क कहाँ पे है, तो आपको इतना तो पता होगा कि राजस्थान में है और ये न्यूज़ में भी रहा है, तो इसी वजह से इसका जो राइट आंसर आएगा उसको जोधपुर में, जोधपुर के नियर एक एरिया है उसको वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तो जोधपुर में जो है वो स्पाइस पार्क प्रेजेंट है। ये भी जो था वो थोड़ा सा इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following variety of muskmelon have been developed through pure line selection? तो pure line selection again breeding method से क्वेश्चन है कि muskmelon की कौन सी variety जो है वो pure line selection method के थ्रू डेवलप की गई है। उषा ने आंसर किया है कलर्ड के अंदर हम बेंजोइक एसिड को यूज़ करते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है उषा आपका। वैसे भी आप एस्टिमेट लगा सकते थे कि टमाटो के अंदर हमने इसको यूज़ किया है, तो मतलब कि टमाटो हमारा कलर्ड प्रोडक्ट है, कलर प्रोसेस प्रोडक्ट बनते हैं इसके, तो इसी वजह से जो इसका राइट आंसर आएगा वो बेंजोइक एसिड आएगा। अब आपने भूलना नहीं है कि कलर के अंदर हम किसको यूज़ करते हैं, कलर के अंदर बेंजोइक एसिड को यूज़ किया जाता है और कलरलेस के अंदर जो है वो हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट को यूज़ करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा, बोथ 1 and 2 अर्काजीत एंड अर्का राजा जो हैं ये दोनों ही मस्कमेलन की वैरायटीज़ हैं जो कि प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड के थ्रू डेवलप की गई हैं। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा ये इस क्वेश्चन एग्जाम का एनालाइज का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चन को कवर किया है और जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं इसी एग्ज़ाम के वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको आइडिया हो गया होगा कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल किस प्रकार से हो सकता है और किस किस पोर्शन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इस क्वेश्चन एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो इसमें ईजी टू ईजी क्वेश्चन भी हैं और डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हैं। तो इसी प्रकार से अब आपने इसी प्रकार से पढ़ना है कि किस पोर्शन के ऊपर क्या फोकस करना है, किस चीज़ को कवर करना है, किसको निगलेक्ट करना है, तो ये यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ, इसके रिमेनिंग पार्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।